नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन की अंतिम तारीख जो कि 30 अप्रैल थी, जो कि निकल चुकी है। जिन भी पात्र महिलाओं के अभी तक फॉर्म नहीं भर आए हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए इसी महीने में फिर से पोर्टल चालू होगा और आप अपने आवेदन इसमें कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आपत्ति कैसे दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या जानकारी आपको होना चाहिए आपत्ति दर्ज करने से पहले, ये सभी इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको पोर्टल ओपन करना होगा। सीएम लाडली बहना योजना अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम पर सर्च कर लेना है। उसमें आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ देर आपको वेट कर लेना है। कुछ देर वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगा है। यहाँ पर आपको एक सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपत्ति दर्ज करें। आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ देर आपको वेट कर लेना है। आपत्ति वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपत्ति दर्ज करने से पहले आपको सामान्य दिशा निर्देश आपको यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आपत्ति दर्ज करने से पूर्व आपको आपत्ति संबंधित दस्तावेज आपको तैयार रखते हैं। एक पीडीएफ आपको तैयार रखना है जो कि मिनिमम 5 MB के होना चाहिए। आपत्ति करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। सिस्टम पर आपके द्वारा मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर सत्यापित किया जाएगा। एक दिन में एक मोबाइल नंबर से 5 OTP आप मिनिमम भेज सकते हैं। निराकरण की स्थिति जानने के लिए cmladlibehna.mp.gov.in पर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर आपत्ति की स्थिति देख सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए यहां पर आपको सबसे पहले पंजीयन करना होगा। जिसके बारे में आप आपत्ति कर रहे हैं उसका आपको पास साक्ष्य होना चाहिए कि इसके पास ये अपात्र है फिर भी इसका फॉर्म भरा गया है। तो यहाँ पर आपत्तिकर्ता का नाम आपको एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है, सर घोषणा पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर पर OTP मिनिमम 60 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और यहाँ पर OTP वेरीफाई करना है। OTP सत्यापित होने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपत्ति सत्यापित करें। जैसे ये पूरी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी, PDF आपकी अपलोड हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आपका आपत्ति सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई, जिसकी आपत्ति क्रमांक है। आपत्ति की स्थिति जानने के लिए cmladlibehna.mp.gov.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके खिलाफ भी किसी ने आपत्ति दर्ज की है तो आपके भी मोबाइल नंबर पर कुछ इस प्रकार का मैसेज देखने को मिल जाएगा। अगर आपके खिलाफ आपत्ति हुई है तो ही आपके खिलाफ ये मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, अगर नहीं की है तो मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं आएगा। आपत्ति की स्थिति देखने के लिए आप cmladlibehna.gov.in पर मोबाइल नंबर से लॉगिन कर आपत्ति की स्थिति देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई इसके बारे में कोई और अपडेट आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको यहां पर मिल जाएगी, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलेंगे ऐसे ही नई अपडेट नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।